प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं पॉलीमर के बारे में। पॉलीमर मीन्स बहुलक, और आप सभी जानते हैं पॉलीमर्स जो है कहीं ना कहीं एकलक के मिलने से यानी कि मोनोमर्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन भी दी गई है कि हाई मॉलिक्यूल वेट कंपाउंड फॉर्मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स जिनका अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, आपस में जुड़ के कहीं ना कहीं पॉलीमर बनाते हैं। और इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात कर लेते हैं। तो ये तीन टाइप का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन है। पहला है वेस्ट ऑन सोर्स, दूसरा है वेस्ट ऑन स्ट्रक्चर, और तीसरा है आपका जो है पॉलीमराइजेशन के आधार पे। ठीक है, तो पहला जो है बेस्ड ऑन सोर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर यानी कि पूरी तरह से प्राकृतिक होगा ये, और इन्हें हम बायो पॉलीमर्स भी कहेंगे, जैसे कि प्रोटीन हो गया, पॉलीसेक्राइड हो गया, है ना। दूसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, कहीं ना कहीं आधा क्वांटिटी इसमें नेचुरल पॉलीमर की होगी और आधा क्वांटिटी सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कि दोनों का मिक्सचर होगा एक तरह से, जैसे कि नाइट्रो सेलोज, सेलोज एसीटेट, सेलोज जैनथेट, इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर, और सिंथेटिक पॉलीमर पूरी तरह से मैनमेड होगा। दीज आर आर्टिफिशियल पॉलीमर, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, नाइलॉन, पीवीसी, बैकेलाइट, डेक्रॉन, ये सारे के सारे जो हैं आपके सिंथेटिक पॉलीमर हैं। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। तो ये तीन स्ट्रक्चर के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है लीनियर पॉलीमर, दूसरा है ब्रांच चेन पॉलीमर, और तीसरा है क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर में कार्बन के मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होंगे, एग्जाम्पल में पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। ब्रांचड चेन में कहीं ना कहीं जो कार्बन चेन है, एक कार्बन चेन दूसरे कार्बन चेन से जुड़ी होगी, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो पहले यानी कि लीनियर पॉलीमर से कम होती है, यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं ये। तीसरा है क्रॉस लिंक पॉलीमर, कहीं ना कहीं एक चेन दूसरी चेन को क्रॉस करती हुई जाती है, और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका बैकेलाइट और मेलेमाइन। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन जो कि आपका पॉलीमराइजेशन के आधार पे है। तो एडिशन पॉलीमर्स, चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं इसको, यानी कि एक चेन दूसरी चेन में जुड़ती जाती है, दूसरी तीसरे में जुड़ जाती है, तीसरी चौथे में जुड़ जाती है, इस तरह से चेन की ग्रोथ होती चली जाती है। तो फॉर्मेड बाय द रिपीटेड एडिशन, बार बार उसी मोनोमर को रिपीट किया जाता है। यहाँ पे मोनोमर चेंज नहीं होते, एक ही मोनोमर को बार बार, जैसे एक मोती की माला होती है ना, तो सेम टाइप के मोती एक ही माला में डाल दिए जाते हैं, तो सेम ये कुछ वैसी ही है। विदाउट इलिमिनेशन ऑफ एनी थिंग्स, इसमें किसी भी तरह का कोई इलिमिनेशन नहीं है, कोई दूसरा जो है इसमें इंटरचेंज नहीं कर रहा है ना। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो पहला है हॉमोपॉलीमर, और दूसरा है कोपॉलीमर। ठीक है, तो हॉमोपॉलीमर क्या है? हॉमो माने होता है सेम, अगर मोनोमर की यूनिट सेम है। एडिशन पॉलीमर फॉर्मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज, एक ही जैसी मोनोमेरिक स्पीसीज बार बार रिपीट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसे हॉमो पॉलीमराइजेशन कहते हैं, हॉमो पॉलीमर्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, ईथेन से पॉलीथीन, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक्राइलो नाइट्राइल से PAN, और टेट्रा फ्लोरोईथीन आपस में कंबाइन होकर टेफ्लॉन बना लेगा। मेरे साथियों, आप सभी को पहले ये नाम जो हैं अच्छे से तैयार कर लेने हैं, जितने भी हमारे नीट एस्पिरेंट हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोपॉलीमर क्या होते हैं। नाम से ही क्लियर है, सह और पॉलीमर का तो आप जानते ही हैं, है ना, बहुलक। तो सह बहुलक यानी कि कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप की स्पीसीज आपस में जोड़ी जाएंगी, है ना। यहाँ पे देखो, पहले ही एग्जांपल दे रहा है, 1,3-ब्यूटाडाइन को अगर आप स्टाइरलिन नाम के मोनोमर से एक साथ कंबाइन करते हैं, तो ये दोनों ही देखो मिलके बूना एस बना लिया। ये एक तरह की प्लास्टिक है, बूना एस, ठीक है, पॉलीमर है, प्लास्टिक नहीं है। बूना एस जो है एक तरह से पॉलीमर है, रबड़ के केस में हमने देखा है इसको। दूसरा एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, ये दोनों को हमने मिक्स किया है और ये बना है बूना एन, पहला था बूना एस। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोपॉलीमर के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। पहला एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा स्टेप बनेगा, उसके बाद तीसरा स्टेप बनेगा, तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर को आप यहाँ पे देखेंगे। तो इन दिस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, एल्कोहल, हाइड्रोजन, क्लोराइड टेक प्लेस। तो पहला है
पॉलीएमाइड, दूसरा है पॉलीएस्टर, तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, फोर्थ जो है वो है मेलेमाइन। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हैं, बेकेलाइट और मेलेमाइन। तो ये तीन ही हैं, एक तरह से हम दोबारा देख ले रहे हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर में हम पहले टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है पॉलीएमाइड। ठीक है, तो देखो पॉलीएमाइड में हेक्जा मिथाइलिन डाईएमाइन को अगर हम एडिपिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं, हेक्जा मिथाइलिन डाईएमाइन को अगर हम एडिपिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो ये बनता है नाइलॉन 6। तो बहुत बार मेडिकल एस्पिरेंट आप ध्यान रखना, ये बहुत बार जो है मेडिकल ने रिपीट पूछा है कि कैसे प्राप्त करोगे आप एडिपिक एसिड टू नाइलॉन 6। और नाइलॉन 6 का पूरा नाम भी मेडिकल ने पूछा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए पॉलीएमाइड इसका पूरा नाम है। नाइलॉन 6 का पूरा नाम है पॉलीएमाइड। दूसरा हैक्जा मिथाइलिन डाईएमाइन प्लस सेवेसिक एसिड, तो नाइलॉन 6-10 पॉलीएमाइड, यहाँ पे भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तीसरा है कैप्रोलैक्टम, बहुत ही अच्छा फनी नाम है इसका। देखो बिल्कुल भी कार्बन की चेन के अगर हम देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन के साथ एक एमाइड यानी कि एनएच ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कैप्रोलैक्टम को अगर हम 533 से 543 केल्विन टेम्परेचर पर मेंटेन करें और इसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस रखें तो ये बनेगा नाइलॉन 6। कहीं ना कहीं आपने चेन को एक तरह से ब्रेक कर दिया है ना। तो ये तीनों ही अलग अलग मोनोमर आपस में जुड़ के पॉलीमर बना रहे हैं और ये पॉलीएमाइड है। और सबसे फेमस है ये टॉपिक पॉलीएस्टर, इसकी हम बात करेंगे। तो पॉलीएस्टर क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल को अगर हम टेरेपथेलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल को अगर हम टेरेपथेलिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो बनेगा टेरिलीन या फिर डेक्रॉन पॉलीएस्टर। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल को अगर हम पैथेटिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो बनेगा ग्लाइप्टल और एल्काइल रेजिन बनेगा। ठीक है, तो दोनों ही आप देख लीजिए, पहला इथाइलिन ग्लाइकॉल ट्रैपथेलिक एसिड टेरिलिन बनाएगा, दूसरा इथाइलिन ग्लाइकॉल पैथेटिक एसिड। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेंजीन जैसी चेन है, तो बेंजीन जैसी चेन में अगर COOH अगर अलग अलग एंड पर जुड़ रहे हैं तो इनका नाम बदल जाता है, और ये बेंजीन कैकुले की चेन है तो इसको आपको पहले समझ लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर के बारे में। यहाँ पर हम बेकिलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेकिलाइट की बात करेंगे। बेकिलाइट में आपको देखो फिनॉल का रिएक्शन CH2O से कराया गया है, एक्चुअली में CH2O से नहीं कराया गया, ये CH2OH से कराया गया है। यहाँ पे आप अच्छे समझ लीजिए कि ये आपका फिनॉल हो गया C6H5O6OH है ऊपर, यहाँ पर हम CH2O, आपको पता है इस फॉर्म में ये जो है पहले था CH2OH था, जहाँ से हमने H को अलग कर दिया, यहाँ दिखाई भी दे रहा है। अब देखो ये CH2O है, ये इस फिनॉल जो कि बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर के पहले ही सेकेंड कार्बन से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा OH, बेंजीन की चेन है, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा CH2OH। यहाँ पे मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही पहली जगह जुड़ा CH2OH, अब ऐसे ही नीचे पहला दूसरा तीसरा चौथे चौथे एंड पर यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, है ना। तो CH2OH, अब बची हुई ये एंड, ये यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, यानी बार बार रिपीट होकर ये जो है जुड़ता जाएगा, और तीनों ही जो सबसे ज़्यादा अटैच करने वाली जो एंड है इन तीनों से ही CH2OH जुड़ जाएगा। ठीक है, अब OH CH2OH की संख्या अगर बहुत सारी कर दी जाए, अगर ये मोनोमर बना दिया जाए, तो ये आपस में मिलकर नोवोलैक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नोवोलैक। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक मोनोमर से पॉलीमर बनाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे नोवोलैक आपस में मिला दिए गए हैं जिससे बैकलाइट बना है। तो बैकलाइट का प्रोसेस कैसे आपको पता चला, फिनॉल ने रिएक्शन करी CH2OH से, अब CH2OH फिनॉल के सभी एंड से जुड़ा पहले, तो फिर फिनॉल ने अपने आप को और थोड़ा सा कंडेंस बनाया, जब कंडेंस बनाया तो उसकी एक चेन बना ली जिसे नोवोलैक कहा गया, और ये चेनें आपस में जुड़ गई जिसे हम बैकेलाइट कहते हैं। तो इस तरह से बैकेलाइट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे मेलेमाइन, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। ओके, तो मेलेमाइन आपस में CH2OH सेम है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे हम CH OH, तो इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड बोल रहे हैं। तो मेलेमाइन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ है, मेलेमाइन में 3 NH2 हैं, आप यहाँ पे ढंग से देख लीजिए
कि मेले माइंड में तीन एनएच टू हैं, एक एनएच ऊपर है, एनएच टू ऊपर है, दूसरा एनएच टू इधर है और तीसरा एनएच टू इधर है। तो मेले माइंड आपस में मतलब किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। दोनों ही रिएक्शन करके रेजिन इंटरमीडिएट एक कंपाउंड बनाते हैं। जितने भी इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं ये बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होते, ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं चेंज होना होता है। अब ये रेजिन इंटरमीडिएट तुरंत पॉलीमर बनाएगा, दूसरे से जुड़ता चला जाएगा। तो मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलकर पहले रेजिन इंटरमीडिएट बनाएगा, और रेजिन इंटरमीडिएट जो है यहाँ पर मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बना देगा, यानी कि यहाँ पर मेलेमाइन और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों जुड़ गए हैं और एक पॉलीमर बना दिया है। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्स, यानी कि आणविक बल के आधार पर, कि कौन से पॉलीमर आणविक बल के आधार पर एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो इसके जो हैं डिफरेंट डिफरेंट जो हैं आपको टाइप पढ़ने हैं। पहला है इलास्ट्रोमियर्स, दूसरा है फाइबर्स, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक और फोर्थ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो पहले हम बात करेंगे इलास्ट्रोमियर, नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिसिटी, जिसमें प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा पाई जाएगी इसका मतलब है कि ये खिंचाव वाले हैं, इन्हें कितना भी खींचेंगे तो हम वो हम पढ़ लेंगे। तो पहला है इलास्ट्रोमियर, द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाई द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि इस तरह के पॉलीमर की कार्बन की चेन जिनके की बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंधे होते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग में फोर्स बहुत कम होता है। दीज वीक बाइंडिंग फोर्स परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच, इन्हीं वीक बाइंडिंग फोर्स की वजह से ये पॉलीमर को खींचा जा सकता है। बूना एस और बूना एन ये दोनों ही रबड़ के टाइप हैं, पॉलीमर हैं, और नियोप्रीन भी, इनको भी खींचा जा सकता है, और आप इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिनमें आपको इलास्टिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरा हम बात करेंगे फाइबर्स, ये तो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फाइबर्स के बारे में। तो फाइबर आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड विच पॉसेस हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। यहाँ पर हम बात करेंगे नायलॉन 6-6 पॉलीएस्टर, जिसे कि हम टेरिलीन कहते हैं। तो ये फाइबर हैं, फाइबर कैसे होते हैं, धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड होते हैं ये लिक्विड नहीं होते हैं, सॉलिड होते हैं, और इनमें टेंसाइल बहुत ज़्यादा होता है, टेंसिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये टेंसाइल मतलब होता है खिंचाव। आपने क्लास 6 में डिफरेंट डिफरेंट फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली थी, अलग अलग फाइबर से आपने अलग अलग वेट को जब तोला था तो आपको क्या पता चला था, आपको पता चला था कि आर्टिफिशियल के जो आपके फाइबर थे वो ज़्यादा मजबूत थे कंपेयर टू नेचुरल, है ना प्यारे विद्यार्थी। नायलॉन 6-6 और पॉलिएस्टर टेरिलिन ये दोनों के दोनों फाइबर हैं। अब हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक का वो टाइप है जिस ऐसी प्लास्टिक जिसे अगर हम गर्म कर दें तो ये गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाती है, ठंडी करने पे गर्म, ठंडी करने पे हार्ड हो जाती है। इनके एग्जांपल आ जाएंगे पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीबिनाइल, ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं। और वहीं अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो ये प्लास्टिक अगर किसी सांचे में एक बार ढाल दी जाए तो इसको हम दोबारा से बैकअप नहीं कर सकते, यानी कि एक बार हमने ढालने के बाद इसे हम पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते। दीज पॉलीमर आर क्रॉस लिंक एंड हैवी ब्रांच मॉलिक्यूल, दीज कैन नॉट बी रीयूज, हम इन्हें रीयूज नहीं कर सकते। बैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड ये सारे के सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है, करेक्ट ऑर्डर फॉर इंटर मोलिकुलर फोर्स इन वेरियस क्लास ऑफ पॉलीमर्स। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा फोर्स किस में होगा, थर्मोसेटिंग में, उसके बाद फाइबर में, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक में, उसके बाद इलास्ट्रोमेयर में। तो ये एक पूरा पूरा जो है ऑर्डर है, आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए प्यारे विद्यार्थी। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर, यानी कि हम बनाएंगे कैसे पॉलीमर्स को। तो सबसे पहले हम लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि कम घनत्व वाली पॉलीथीन बनाएंगे। अब कम घनत्व वाली पॉलीथीन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही पॉइंट लिखा है, फॉर्मेड बाई फ्री रेडिकल एडिशंस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी कि हम यहाँ पर फ्री रेडिकल पहले तैयार करेंगे, मोनोमर्स के हम रेडिकल तैयार कर लेंगे और इन्हें जोड़ेंगे, ये रेडिकल आपस में जोड़ेंगे, किसकी प्रेजेंस में जोड़ेंगे, पेरोक्सीसाइड नहीं पेरोक्साइड की, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम इसको जोड़ेंगे। दूसरा, केमिकली इनर्ट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम केमिकली इनर्ट और पुअर कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी के हैं हम यहाँ पर यूज करेंगे, केमिकली इनर्ट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड है, यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर,
हम इसको बनाने के बाद जैसे इलेक्ट्रिकल जो वायर होते हैं उनके ऊपर यूज कर सकते हैं, कुछ बोतलें बना सकते हैं, आपने आजकल देखी होंगी 10 रुपए की बोतल मिल जाती है, कुछ फ्लेक्सिबल पाइप बना सकते हैं इसके द्वारा। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज आजकल आप मार्केट में भी कर रहे हैं सब्जी लाने के लिए। अब हम बात करेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। तो फॉर्मेड इन प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, फॉर्मूला यहाँ पे है TiCl4, टाइटेनियम टेट्रा, टेट्रा मान चार, सीएल के साथ चार है ना, इसलिए टेट्रा क्लोराइड हो गया। एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये हो गया आपका। प्रिपरेशन हेलो, ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर में हमने लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। फॉर्मेड इन प्रेजेंस इन टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, और हम कहीं ना कहीं रिएक्शन करेंगे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम यानी कि C2H5 का होल 3 Al। ये एक तरह का कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को तेज करने में यूज किया जाता है। कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टॉप द रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही समझाया था कैटलिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जिगलर नाम के कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाएगा। इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड मोर टफर एंड हार्डर। ये जो पॉलीथीन होगी ये बहुत ज़्यादा टफ होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। और इस तरह की हाई डेंसिटी पॉलीथीन में हमने सबसे पहले जो है टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड को हमने ट्राई इथाइलिन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया, और यहाँ पर ट्राई इथाइलिन एल्यूमिनियम जो है एक तरह का जिगलर नेटा कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट इसकी रिएक्शन की गति को तेज कर देगा। ठीक है, इट इज केमिकली इनर्ट एंड मोर टफर एंड हार्डर। ये केमिकली इनर्ट है, इसका मतलब ये केमिकली रिएक्शन नहीं करता। आप इसमें चाहें तो खाने वाली चीज़ें भी पैक कर सकते हैं। आपने देखा ना जितनी भी खाने वाली पॉलीथीन होती हैं उनका हम इसी हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज करते हैं। कोई बोतल वगैरह भी अगर होती हैं पानी पीने की, अगर एक बार यूज कर रहे हो तो नहीं, लेकिन अगर हाँ आपने बहुत सारी ऐसी बोतल देखी होंगी प्लास्टिक की जिन्हें बार बार रीफिल करते हैं, तो उसमें आपकी यही हाई डेंसिटी पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे नेचुरल रबड़ यानी कि प्राकृतिक रबड़ क्या होती है। तो लीनियर पॉलीमर ऑफ सिस आइसोप्रीन प्रीन, सिस आइसोप्रीन, सिस वर्ड का प्रयोग हम केवल कार्बन के नंबर के लिए करते हैं कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन विशेष पर जुड़ता है तो वहां हम सिस लगाते हैं। ठीक है, तो सिस आइसोप्रीन, आपको मेन फॉर्मूला आइसोप्रीन याद रखना है। तो आइसोप्रीन जिसका नाम है 2-methyl-1,3-butadiene, 2-methyl-1,3-butadiene, 2-methyl-1,3-butadiene एंड आल्सो कॉल्ड सिस 1,4-polyisoprene, इसका नाम हो जाता है सिस 1,4-polyisoprene। ठीक है, ओके। तो आइसोप्रीन को हम यहाँ पे जो है मोनोमर के रूप में यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसे तो हम सिंगल बॉन्डिंग कर देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हमें दूसरा मोनोमर भी जोड़ना है। तो दोनों जगह जहाँ डबल बॉन्डिंग दिखाई दे रही है मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्डिंग कर देंगे और आपस में इसको जोड़ देंगे, आइसोप्रीन को आपस में जोड़ते चले जाएंगे, तो ये नेचुरल रबड़ बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये ध्यान रखना। आपने देखा होगा बहुत सारे रबड़ के प्लांट होते हैं जिनसे हम ये रबड़ प्राप्त करते हैं। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, ये क्या होता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, ये हम बात करेंगे। नेचुरल रबड़ बीकम सॉफ्ट एंड हाई टेम्परेचर। तो नेचुरल रबड़ जो होती है अगर हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती है। टू इम्प्रूव अपॉन दीज फिजिकल प्रॉपर्टी अ प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन इज कैरिड आउट। तो इस सॉफ्ट रबड़ के अंदर हम कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें इस रबड़ का प्रयोग बहुत सारे कार्यों में करना होता है। तो दिस प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबड़ विद सल्फर, हम कच्ची रबड़ के साथ सल्फर मिला देते हैं। ऑन बल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक एट द रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये जो सल्फर है ये अपने आप को डबल बॉन्ड के पास पे जाके अटैच कर लेता है। प्यारे साथी भाई, आपको पुरानी बात जरूर याद आ गई होगी, यहाँ पे जब आप कहीं ना कहीं नेचुरल ऑयल जैसे कि आपका मूंगफली का ऑयल था, सरसों का ऑयल था, आप उससे डालडा बनाते थे। तो
तो कहीं ना कहीं वहां पे भी डबल बॉन्ड को हटाकर आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते थे, तो वहां पे सल्फर की जगह हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाता था और इस तरह से आपका नेचुरल ऑयल कन्वर्ट हो जाता था डालडे में। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे शुरू हुआ है। आपकी जो रॉ रबड़ है, मतलब रॉ मटेरियल है जो आपका, उसमें सल्फर यूज हुआ है और सल्फर यूज करते ही ये क्या करेगा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ बनाएगा, यानी कि रबड़ अच्छी क्वालिटी की रबड़ बनाएगा। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक रबड़ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्लोरोप्रीन, जिसका नाम है 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन, और इसके मोनोमर्स को आपस में अगर हम जोड़ते जाएंगे तो न्योप्रीन बना देगा, यानी कि क्लोरोप्रीन बना देगा न्योप्रीन। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट नया टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये क्या होते हैं, तो नाम से ही क्लियर है, ऐसे पॉलीमर जो बायोडिग्रेड होते हैं, जो जैविक रूप से जिनका विखंडन हो सकता है, जिन्हें डिकम्पोज किया जा सकता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर आर क्विट रेसिस्टेंट टू द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन प्रोसेस एंड आर दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलीमेरिक सॉलिड बेस्ड मटेरियल। दीज सॉलिड बेस्ड कॉसेस एक्यूट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिमेन डिग्रेडेड फॉर क्विट अ लॉन्ग टाइम। तो रबर के मटेरियल से आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पॉल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। तो इस इन द इन दिस व्यू इन व्यू ऑफ द जनरल अवेयरनेस एंड कंसर्न फॉर द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द पॉलीमेरिक सॉलिड बेस्ड सर्टेन न्यू बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स हैव बीन डिजाइन एंड डेवलप। तो इन सबको देखते हुए अब हमने जो रबड़ लॉन्च की है वो है बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर की बनी हुई। तो दीज पॉलीमर कंटेन फंक्शन ग्रुप सिमिलर टू द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इन बायो पॉलीमर। तो इनमें जो पॉलीमर होते हैं उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो क्रियात्मक समूह होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं फंक्शनल ग्रुप पहले वाली रबड़ से, प्रेजेंट इन बायो पॉलीमर्स, जिन्हें हम बायो पॉलीमर्स कहते हैं। नाम में बायो लग गया है तो जैवीय बहुलक हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल रेट, बीटा हाइड्रोक्सी बेल रेट, जिसका फुल फॉर्म हो गया PHBB। ठीक है, तो क्या होता है ये, कैसे बनाएंगे हम पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, बीटा हाइड्रोक्सी बेल रेट PHBB। इट इज ऑब्टेन बाई को पॉलीमराइजेशन ऑफ 3-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सीपेंटानोइक एसिड। तो यहाँ पे हम को पॉलीमराइजेशन करने वाले हैं, अलग अलग स्पीसीज के मोनोमर हैं। पहला है 3-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड और दूसरा है 3-हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक ऑक्सीड। तो दोनों को ही हमने मिला दिया जिससे बनेगा PHBB। ठीक है, तो PHBB इज द यूज इन स्पेशलिटी पैकेजिंग ऑर्थोपेडिक डिवाइस एंड कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स। तो कहीं ना कहीं हम इनमें यूज करने वाले हैं, मेडिकल में यूज करने वाले हैं। PHBB अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट। तो ये जो PHBB है ये बैक्टीरिया डिग्रेडेट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसे बैक्टीरिया तोड़ सकते हैं, मतलब ये पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा कहीं भी, अगर इसको छोड़ दोगे तो थोड़े दिन के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड को हमने 3-हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक एसिड से रिएक्शन कराया है और यहाँ पर COOH CH3 के साथ जुड़ गया है। तो हमने क्या देखा, PHBB बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीट एस्पिरेंट के लिए। अब हम बात करेंगे नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो इट इज़ अ अल्टरनेटिंग पॉलीएमाइड को पॉलीमर है ऑफ ग्लाइसिन NH2 CH2 COOH। ये एक तरह का अमाइनो एसिड है और अमाइनो कैप्रोइक एसिड जो है NH2 CH2 का होल 5 COOH, ये भी अमाइनो एसिड है। दोनों ही अमाइनो एसिड जो है, नहीं, दूसरा जो है कैप्रोइक एसिड है, ये अमाइनो एसिड नहीं है, पहला अमाइनो एसिड है लेकिन दूसरा जो है एक दूसरा मोनोमर है, और ये दोनों ही आपस में जब जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर नायलॉन 2 नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ओके। सभी साथियों से अनुरोध है कि अगर वीडियो आपको कहीं भी नोट्स वगैरह बनाना है तो आप एक तो जो है वीडियो को रोक रोक कर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दूसरा ये कि कोई भी टॉपिक अगर आपको कहीं पर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से बैक प्ले करके इसको जो है एक बार फिर से इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी IIT और NEET एस्पिरेंट हैं उनसे अनुरोध है कि आप ज़रूर भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको एलन के ही नोट्स केवल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।